Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, में पढ़ रहा था कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन सशक्त शक्ति अभिनंदन का एक कार्य विधेयक था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम था जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ ये लोग हैं, कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए। जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं।